हजार मांगीलाल तरपाल के खेत में बने टप्पर पर 8 बकरा बकरी एवं 4 गौवंश बने हुए थे। बीती रात किसान खेत से घर भोजन करने गया था। जैसे ही बैरात करीबन 8:30 बजे खेत पर पहुंचा तो देखा कि 7 बकरा बकरी व 2 गौवंश मृत अवस्था में पड़े हैं, जो खून से लहूलुहान थे। किसी जंगली जानवर ने मारा हो ऐसा प्रतीत हो रहा था। इसकी सूचना ग्राम पंचायत सरपंच वीरेन्द्र सारण को दी। सरपंच ने मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी वन विभाग को दी। देर रात वन विभाग हरदा से एसडीओ संजय जैन, रेंजर सुरेश सोनवंशी, डिप्टी रेंजर वहीद खान दलवल के साथ मौके पर पहुंचे। वन विभाग की टीम द्वारा आसपास के जंगल में जंगली जानवर की तलाश भी की। अल सुबह पशु चिकित्सा विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर मृत मवेशियों का पोस्टमार्टम किया। देर रात घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे। इस तरह की क्षेत्र में पहली घटना से ग्रामीणों में भय का माहौल देखा जा रहा है। ग्रामीण सुरेश सारण ने बताया कि मृत मवेशियों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो सारा खून चूस लिया गया हो। मृत मवेशियों को देखकर ऐसा लगता है कि इन्हें रीछ आदि बड़े जानवर द्वारा मारा गया है, जिससे किसान को करीबन 20 से 25 हजार रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। वंदे भारत से अवधेश तिवारी की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत बागरोल, ग्राम कुसिया में कल रात तकरीबन 8:30 बजे हमारे गांव में किसान मांगीलाल पिता सोमा जी भिलाला हैं, वो खेत में ही रहते हैं और उनकी थोड़ी सी कृषि है छोटी सी, और बकरे बकरी और अपने जानवर खेत पर ही रखते हैं। रात करीब 8:30-9 बजे के सूचना मिली कि मांगीलाल दादा के खेत में बकरा बकरी और 2 केड़ों को किसी अज्ञात जानवर ने घायल कर मार डाला है। जब मैं और गांव वालों के साथ खेत पर पहुंचा तो देखा कि जानवर सभी मरे हुए थे। जानवर को किसी जंगली जानवर द्वारा जगह जगह खाया हुआ था और ऐसा लग रहा था कि जैसे कि जानवरों को बिल्कुल खून पी लिया गया हो और सभी जानवर मृत थे। इसके बाद में हमने वन विभाग को सूचना दी। वन विभाग को सूचना देने के बाद में वन विभाग की टीम रात करीब 11:30 बजे वन विभाग की टीम आई। उन्होंने मौका मुआयना कर पंचनामा बनाया। जिला मीडिया प्रभारी राजू सिरोही, ग्राम कुशिया का रहवासी। यहाँ पर हमारे गाँव से 500 मीटर दूरी पर जो है मांगीलाल जी काका है, उनके यहाँ 7 जानवरों को जो है बकरी और बकरे को और 2 गाय के बछड़ों को किसी अज्ञात जानवर के द्वारा जो है खाया गया है। और वो जब हमको जानकारी उनके द्वारा पता लगी, ग्रुप में संदेश आया कि भैया यहाँ पर ऐसी घटना हो गई, एक साथी ने कहा, तब हम सब गांव के पोछे करें। हम मौके पर देखा हमने तो वास्तव में पूरे के पूरे मरे पड़े हैं और बहुत भय का माहौल था। रात को कम से कम 100-200 लोग पूरे गाँव के इकट्ठे हो गए थे। फिर उसके बाद में वन विभाग को सूचना मेरे द्वारा दी गई डिप्टी रेंजर खान साहब को, और फिर वो मौके पर 11:30 बजे रात को आए। उन्होंने पंचनामा बनाकर पूरी कार्रवाई करी और उन्होंने देखा कि भैया बताएंगे क्या जानवर खाया गया जो अभी पोस्ट